वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े दस्तावेज और मौजूदा डायरेक्टर्स के नाम दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी का पिछले 10 वर्षों से बाबूलाल के संबंध नहीं रहा है। हेमंत सरकार इस कंपनी की जांच करा सकती है। मरांडे जी की संकल्प यात्रा को भी ने शानदार सफलता से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की नींद उड़ गई है और बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री और उनके परिजनों पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। लेकिन राज्य सरकार को बताना चाहिए कि अगर इस कंपनी ने इतनी गड़बड़ी की है तो उसकी जितनी भी चल अचल संपत्ति है वो अविलंब उसकी जब्ती होनी चाहिए और SIT का गठन करके इस कंपनी के कार्यकाल की जांच करनी चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखे।